लड़का अभी एमनियोटिक द्रव से ढका हुआ पैदा हुआ था। सौभाग्य से उसने चलना सीख लिया। शहर तक पहुंचने के लिए जंगल को पार करें। वह चौराहे पर नंगा था, सब कुछ नया था। राहगीरों ने उसे अजीब तरह से देखा। पुलिस ने उससे पूछा, लेकिन वह बात नहीं कर सका। इसके बाद उन्हें सुधार गृह भेज दिया गया। कर्मचारियों ने उसे नहलाया और शौचालय का उपयोग करना सिखाया। फिर उसका हाथ एक अजीबोगरीब प्लेट पर रख दिया। अपने बगल में अपने दोस्त के आनंद को देखकर उसने तुरंत सूट का पीछा किया। डॉक्टर निकोल ने उसका नाम काइल रखा। निकोल ने संपर्क किया और पूछा कि काइल कहां से है। काइल ने एक क्रेन उठाया और उसे भ्रमित करते हुए कागज पर टाइप करना शुरू कर दिया। क्षण भर बाद काइल ने अपनी रचना को रोक दिया। निकोल चकित थी। यह पता चला कि काइल जंगल में एक तंबू में एक जोड़े से मिला। वह अपने द्वारा देखे गए दृश्यों का अनुकरण कर सकता था। गार्ड को उम्मीद है कि निकोल कुछ समय के लिए उसकी देखभाल कर सकती है, क्योंकि सुधारशाला इस बड़े लड़के के लिए उपयुक्त नहीं थी। निकोल झिझकी क्योंकि उसके दो बच्चे थे। वार्डन ने यह देखा और काइल की शर्ट ऊपर खींची, जिससे उसके सपाट पेट का पता चला। इस बच्चे की नाभि नहीं है। तो आप अपनी माँ के शरीर से पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं? जिज्ञासा से बाहर निकोल काइल को अस्थायी रूप से घर ले गई। लोरी ने स्नान किया और बाहर चली गई। वह नहीं जानती थी कि घर में कोई अजनबी है। काइल ने घूर कर देखा, वह डर गई थी। निकोल का कहना है कि काइल अभी भी अपरिपक्व है और कुछ भी नहीं जानती। फिर लोरी को काइल पर नजर रखने के लिए कहें। जाते ही लोरी ने तुरंत अपने प्रेमी से फोन पर बात की। काइल पियानो के प्रति आकर्षित था, इसलिए वह घर से बाहर चला गया। उसने पड़ोसी के घर संगीत का पालन किया। काइल की आंखों में आंसू थे। अमांडा ने शोर सुना और पलट गई। उनकी आंखें मिली, जिससे काइल उछल पड़ा। काइल बाथटब में छुपकर घर भागा। इस समय जोश अभी स्कूल से घर आया था और शौचालय की ओर भागा, पढ़ने के लिए अपनी किताब खोली। वह काइल को देखकर चौंक गया और तुरंत बाहर निकल गया। जोश ट्रिपिंग करते हुए अपनी पैंट में फंस गया। अध्ययन सामग्री उसकी माँ के चरणों में गिर गई। सौभाग्य से दरवाजे पर हुई दस्तक ने इस अजीब दृश्य को तोड़ दिया। पड़ोसी अपनी बेटी को काइल से पूछताछ के लिए लाए। काइल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलाने की धमकी दी। निकोल माफी मांगता है, वे स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर उसने देखा कि अमांडा और काइल एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ ऐसा मान्य देखकर उसने तुरंत अपनी बेटी को खींच लिया। अगली सुबह निकोल काइल को IQ टेस्ट के लिए ले गई। एक अजीब बात हुई। काइल अभी बात नहीं कर सका, लेकिन उसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। आखिर आप किस तरह के भगवान हैं? काइल अभी पैदा हुआ था और उसे पहाड़ों में छोड़ दिया गया था। उसका शरीर 16 साल के लड़के जैसा दिखता है, लेकिन वह एक बच्चे की तरह काम करता है। दयालु निकोल काइल को एक अस्थायी घर में ले गए। दिन के दौरान काइल ने घर में सभी को नाराज कर दिया। निकोल और स्टीवन को करीब देखकर उन्हें लगा कि यह अभिवादन का एक तरीका है, तो काइल ने पीछा किया। सौभाग्य से निकोल जानता था कि वह सिर्फ कागज की एक कोरी शीट थी। स्टीवन ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि वह बहुत तेज बोलना जानता है। मुझे कुछ रस लाओ। काइल वह सब कुछ दोहरा सकता है जो दूसरे लोग कहते हैं। सब चकित थे, लेकिन उसके ठीक बाद, जब आप मेरे पैर पर हाथ रखते हैं तो वह एहसास बहुत अजीब होता है, यह जादू की तरह है। यह सुनने के बाद लोरी दूसरे घर में जाना चाहती थी। जोश इतना उत्साहित था कि वह काइल को फिर से हाई फाइव करना चाहता था, लेकिन काइल अभी बहुत छोटी है। निकोल ने काइल को जोश के कमरे में जाने के लिए कहा। इस बार जोश ने अपना निजी स्थान खो दिया है। उन्होंने हमेशा काइल को अपनी पत्रिका को अपनी माँ द्वारा जब्त करने के लिए दोषी ठहराया। आपने इसे रात के माध्यम से कैसे बनाया? लेकिन जोश अकेला नहीं है जिसे अनिद्रा है। काइल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अकेले किचन में चली गई। लोरी को दोस्तों के साथ छिपते हुए देखना। जिज्ञासु, काइल ने पीछा किया। ऐसी कई हसीनाएं थी जिन्होंने काइल को मदहोश कर दिया। अचानक सभी भाग खड़े हुए। यह पता चला कि किसी ने उन्हें उच्छृंखल बताने के लिए पुलिस को सूचना दी। पुलिस दौड़ पड़ी, जिससे भीड़ और भी दहशत में आ गई। अचानक काइल ने देखा कि पुलिस लोरी को उठा ले जा रही है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। पुलिस ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। उसने विरोधी को डराने के लिए जंगल में सांप की नकल की। इस पर भीड़ हंस पड़ी। पुलिस ने काइल को हथकड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। वह क्रोधित हो गया और उसने काइल को मारने के लिए अपनी छड़ी निकाली, लेकिन इतने करीब होने पर भी वह काइल को छू नहीं सका। काइल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पीठ छीन ली। पुलिस ने देखा कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वे चले गए। काइल रातों रात लोरी का हीरो बन गया। अगले दिन स्टीवन काइल को देखने के लिए घर पर रहे। स्टीवन ने बूढ़ी औरत को USB पर फोटो ठीक करने में मदद करने का वादा किया। लगभग पूरा हो गया, वह फिर से विफल हो गया। काइल एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था और समझ रहा था।
फिर काइन ने कंप्यूटर खोला और कीबोर्ड टाइप किया। काइन ने एक पल के लिए देखा और सेवा समाप्त कर दी। जब स्टीवन वापस लौटे तो काइन ने फोटो को पुनर्स्थापित करना समाप्त कर दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो उसने बुढ़िया से मुखातिब कर रखा हो। इस समय जोश काइन द्वारा बड़े करीने से व्यवस्थित अपने कमरे को खोजने के लिए घर आया। तकिए के नीचे वह पत्रिका थी जिसे वह हमेशा से चाहता था। उसके माध्यम से आप उनके सबसे अच्छे भाई हैं। रात के खाने में निकोल ने परिवार से पूछा कि क्या काइल रुकेंगे या सुधारक के लिए भेजे जाएंगे। परिवार काइल को रहने देने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन निकोल काइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शिविर में गई। लेकिन जब उन्होंने पूरे देश में लोगों के फिंगरप्रिंट की जांच की तो उन्हें नहीं मिला। निकोल निराश हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कार में बैठा एक शख्स उसे देख रहा है। उसके हाथ में काइल की सूचना फाइल थी। यह कौन है? काइल के शरीर पर क्या रहस्य है? हम आपको अगला एपिसोड देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह लड़का अभी पैदा हुआ है, उसके शरीर पर अभी भी एमनियोटिक द्रव है। काइल सड़क पर नग्न था और उसे एक सुधारक के पास भेज दिया गया था। वार्डन को पता चलता है कि काइल परिवार में एक चौंकाने वाला रहस्य है। आप एक महत्वपूर्ण अंक खो रहे हैं। इसे देखने के बाद निकोल हैरान रह गई। यह बच्चा कैसे बड़ा हुआ? वह काइल को कुछ देर के लिए अपने घर ले गई। पहली रात काइल ने पाया कि यह परिवार बहुत अजीब था। वे सभी रात में निश्चल क्यों पड़े हैं? वे मरने का नाटक क्यों कर रहे हैं? स्टीवन का कहना है कि यह ऊर्जा की भरपाई के लिए नींद है। काइल ने कभी नहीं किया। हर रात उसे नींद नहीं आती थी, वह किचन में घूमने चला जाता था। काइल ने रेफ्रिजरेटर खोला, इसकी सामग्री के बारे में उत्सुक। सुगंध देखकर काइल ने तुरंत उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह अंडा भी खा गया। इस केले को और भी बेरहमी से काटा गया था। खाने के बाद काइल लिविंग रूम में चला गया। उसने गलती से टीवी चालू कर दिया। टीवी पर एक मार्शल आर्ट मूवी चल रही है। काइल पॉर से देख रहा था। आवाज से पूरा घर जाग गया। विंग चुन, काइल। सुबह पुलिस यह पूछने आई कि काइल कहां से है, लेकिन काइल को कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने पूछा कि काइल ने पहले कपड़े क्यों नहीं पहने थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि काइल का सिर गंभीर रूप से घायल हो सकता है, जिससे स्मृति हानि हो सकती है। वे जांच करना जारी रखेंगे। निकोल काइल को फुल चेकअप के लिए ले गई। जैसे ही डॉक्टर ने काइल की कमीज उठाई, वह चकित रह गया। काइल की नाभि नहीं है, तो आप गर्भ में पोषण कैसे ग्रहण करते हैं? शायद काइल चट्टान से बाहर आ गया। अजीब चीजें होती रहती हैं। डॉक्टर ने काइल के मस्तिष्क का सीटी स्कैन लटका दिया और मान लिया कि मशीन टूट गई है। औसत व्यक्ति केवल 7% मस्तिष्क का उपयोग करता है। आइंस्टाइन ने 9% इस्तेमाल किया, लेकिन काइल ने अपने दिमाग का 90% इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। जब डॉक्टर और निकोल बात कर रहे थे, काइल ने जटिल चित्र को एक साथ रखना समाप्त कर दिया। निकोल ने उसे मन में आए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। काइल की ड्रॉइंग स्टाइल बेहद खास है। वह एक मुद्रक की तरह था जो उसने देखा उसकी नकल करने में सक्षम था। उस दिन काइल सो नहीं सका, इसलिए मैं टहलने निकला। उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कुछ करने ही वाला था कि अचानक कुत्ते की नज़र उस पर पड़ी और वह भौंकने लगा। वह तुरंत चला गया। काइल ने तुरंत कुत्तों की भाषा सीख ली। उसने इसकी आदत डालने के लिए इसे स्ट्रोक किया। कुत्ते के मालिक ने अपना सिर बाहर निकाल लिया। वह अमांडा थी, वह लड़की जो पहले पियानो बजाती थी। अमांडा काइल से बहुत प्रभावित हुई। आमतौर पर खूंखार कुत्ते ने आज फिर काइल की बात सुनी। स्टीवन को लगता है कि यह अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए काइल को सिखाना चाहता था कि थकना कैसा होता है। दोनों एक साथ दौड़ने के लिए मिलते हैं। आधे रास्ते में स्टीवन बेहद खुश थे। उन्होंने कहा कि काइल को हार मानने की जरूरत नहीं है। उसने तुरंत स्टीवन को पीछे छोड़ दिया। काइल की नींद की वजह से सभी बहुत थके हुए थे। स्टीवन एक महत्वपूर्ण बैठक से चूक गए। काइल के यहाँ आने के बाद से उन्होंने काइल पर काफी परेशानी खड़ी करने का आरोप लगाया। काइल ने सब कुछ सुना। जब मैं उसकी तलाश करने गया तो वह घर में नहीं मिला। निकोल ने काइल की तस्वीर पलटी और पास के इस पहाड़ को देखा। परिवार तुरंत काइल को खोजने गया। उन्होंने काइल को खड़े होकर तारों को देखते हुए पाया। यह पता चला कि काइल ने जोश पर विश्वास किया, यह सोचकर कि वह एक एलियन है। निकोल ने काइल को अपने परिवार में आमंत्रित किया। काइल घर आया और गलती से रेडियो चालू कर दिया। उसे नींद आने के लिए यह शोर मिला। काइल तुरंत सोते हुए टब में लेट गया। किसी को पता नहीं चला, जहां उन्होंने काइल को पाया वहां अवशेषों का एक समूह था। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।